दोस्तों आज हम ओम लॉ के नियम के बारे में बात करेंगे। ओम लॉ फार्मूला यूज टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओम लॉ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच के संबंध को बताता है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल होती है। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ती है, और उसी के साथ में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होती है, और करंट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम होता है। ओम्स लॉ को एक बुक के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और यह इसकी डेफिनेशन है। उसी के साथ में अलग अलग टॉपिक वाइज इसको अच्छे से कवर किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, अगर करंट बढ़ती है तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ती है तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। उसी की तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमारा अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारी करंट कम होगी, और अगर करंट बढ़ती है तो उस सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।